नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी। सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कमोडिटी बाजार के बारे में, जानेंगे कि कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, उस पर रुपा मेहता की क्या राय है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम नॉन एग्री से, सोने चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि कल के मुकाबले जो प्राइसेज हैं वो और ज़्यादा कम हो गए हैं। गोल्ड देख रहे हैं $1862 पर है और सिल्वर $22 पर। हरा निशान भले ही देखने को मिल रहा हो, लेकिन जो प्राइसेज हैं पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। अब इसके कारण क्या क्या है वो जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लो लगा चुका है, काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर पर है। इसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनमें निचले स्तर से हल्की सी सपोर्ट लेवल तो है, लेकिन जो प्राइसेज हैं तब भी यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लो देखने को मिल रहे हैं। तो अब सोने चांदी में क्या रणनीति होनी चाहिए ऐसे मौके पर, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, गोल्ड सिल्वर की बात करें तो देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि हल्की सी यहाँ पर हरा निशान भी देखने को मिल रहा है, सपोर्ट लेवल भी है कहीं ना कहीं। उधर देख रहे हैं कि यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये काफ़ी ज़्यादा लो लगा चुका है कल के सेशन में भी और आज के सेशन में भी। देख रहे हैं कि INR USD के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लो पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अब सोने चांदी में क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अभी सोना चांदी जो है वो एक रेंज में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी एक सीमित दायरा फिलहाल बना रह सकता है। और अभी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, रुपया वीक हो चुका है और इस वजह से गोल्ड में जो है वो प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया था। और अभी बाजार जो है उसकी रेंज में है फिलहाल के लिए, तो अभी $1880 से लेकर ऊपर में $1900 तक का हो सकता है कि अपसाइड बने और नीचे में $1860 तक की गिरावट भी एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से अभी इंट्राडे स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हल्की बाइंग आज शॉर्ट टर्म में आती हुई दिखाई दे सकती है। लॉन्ग टर्म सिनेरियो भी काफी पॉजिटिव है। हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो वहां पर गोल्ड में अगेन बाइंग देखने को मिल सकती है। जी ये रूपा जी, कच्चे तेल की बात की जाए तो WTI $101 पर देख रहे हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज कच्चे तेल में यहाँ पर गिरावट बनती नजर आ रही है। रूपा जी, एक तरफ तो ये बातें चलती हैं कि रशिया पर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसकी वजह से क्रूड में तेजी है, दूसरा आप देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है और US फेड ने भी जो बेसिस पॉइंट्स में बढ़ोतरी की है उससे भी देख रहे हैं कि फिर ये आशंका लगाई जाती है कि कच्चे तेल की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। रूपा जी, एक फैक्टर तेजी वाला है, एक फैक्टर मंदी वाला, इस बीच अब क्रूड में कैसा ट्रेड देखने को मिल सकता है? देखिए, काफी वोलेटाइल है क्रूड की मार्केट और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार इसके अंदर कभी बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो कभी इस तरह से दबाव बनता हुआ दिखाई देता है। दरअसल ऑयल इंपोर्ट को लेकर अलग अलग तरीके की जो है वो रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही हैं अलग अलग यूरोपियन कंट्री की वजह, यूरोपियन कंट्रीज की ओर से अलग तरह से और US की तरफ से अलग तरह से। तो इस तरीके से जो बाजार है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है और अभी भी जो चीन के अंदर स्थिति देखने को मिल रही है उसका नेगेटिव असर फिलहाल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति के चलते एक बार फिर से क्रूड की डिमांड के ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क आता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपरी स्तरों से एक बार फिर से लुढ़क चुके हैं। और इस समय ब्याज दरों में हो रही बढ़ोतरी और दूसरा मंदी की चिंता जो सता रही है उसका असर भी भारतीय बाजारों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ना केवल भारतीय बल्कि विदेशी बाजारों पर भी इसका असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और माना यह जा रहा है कि इकोनॉमी में एक्सपोर्ट की दर फिलहाल धीमी पड़ती नजर आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काफी जो है बाजारों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि कच्चे तेल में एक दिन तेजी तो दूसरे दिन मंदी देखने को मिलती है। काफी वोलेटाइल मार्केट है, स्टिकली स्टॉप लॉसेस के साथ पोजीशन बनाए और ट्रेंड के अकॉर्डिंग इसमें काम करना चाहिए। अभी फिलहाल देखिए फंडामेंटल भी यहाँ पर काम करता दिखाई नहीं दे रहा है और अब जो ये गिरावट आई है ये गिरावट हो सकता है नीचे $92 के आसपास आकर थमती हुई दिखाई दे। तो फिलहाल के लिए प्रेशर है और $100 के अगर नीचे लुढ़क जाता है मार्केट तो आपको $92 तक नीचे प्रेशर देखने को मिल सकता है। जी यहीं से रूपा जी, बात करें अगर नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस में तो कल हम कारोबार देख रहे थे $8 के ऊपर का, लेकिन आज देख रहे हैं $60 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, नेचुरल गैस को हमने ऑल टाइम हाई भी लगाते हुए देखा है अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले, तो अब ये जो $60 का लेवल दिखाया है ये जो निचला स्तर आया है हल्की सी नरमी आई है ये क्यों आई है?
देखिए एनर्जी में अभी जैसे मैंने बताया कि डिमांड को लेकर काफी ज्यादा स्थिति जो है वो खराब होती दिखाई दे रही है। इस वजह से हमने देखा है कि बाजार एकदम से लुढ़क गए हैं, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस, सभी में गिरावट देखने को मिली है क्योंकि डिमांड का जो है अहम रोल प्ले होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके की स्थिति बन रही है। अब एक बार फिर से इन्वेस्टर्स में कहीं के डर का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाजारों में फिर कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और जिस तरीके की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है वो भी एक अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो अब इंटरनेशनल कमोडिटीज के अंदर उठा पटक का माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं जिसके चलते हमें ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिल रहा है। और अभी भी देखा जाए तो अभी शॉर्ट टर्म में गिरावट बनी रह सकती है, जिस तरीके से ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी हुई है ये करेक्शन अभी थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकती है। जी ये सिर्फ जी बेस मेटल्स की बात की जाए तो बेस मेटल्स में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने बेस मेटल्स में देखा था कि कल को भी नरमी देखने को मिली थी, कॉपर में हमने काफ़ी ज़्यादा निचले स्तर लगते देखे थे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही जगह, और बाकी बेस मेटल्स में भी देख रहे हैं कि कुछ आज भी ऐसी ही नरमी वाला रुझान देखने को मिल रहा है। रूपा जी आपको क्या लगता है ये जो भारतीय रुपये में डॉलर के मुकाबले गिरावट आई है क्या उसका असर बेस मेटल्स पर देखने को मिल रहा है या फिर बेस मेटल्स की जो डिमांड है उसमें कुछ कमी आई है जिसकी वजह से नरमी आई है? देखिए बेस मेटल्स में अभी फिलहाल ऊपरी स्तरों से जो दबाव आया था वो अब थोड़ा सा घटता हुआ नजर आया और एक बार फिर से मार्केट जो है निचले स्तरों पर रिकवर हुए हैं। कॉपर आप देखिए कल की गिरावट के बाद अगर हल्का हरा निशान दिखाता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी बाजारों में जो है प्रेशर बना रह सकता है क्योंकि डिमांड को लेकर अभी भी चिंताएं हैं और उसका असर अभी बाजारों में देखने को मिल सकता है। अभी बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ लॉन्ग टर्म देखा जाए तो अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। आज इंट्राडे में आप देखेंगे थोड़ा बहुत रिकवरी आ सकती है लेकिन वही करेक्शन जो है अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे सकती है कॉपर 740 तक, और वही जिंक की बात करें तो 300-280 नीचे में फिलहाल लुढ़कता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है जिस तरीके से डिमांड को लेकर चिंताएं गहराती नजर आ रही। जी रूपा जी नॉन एग्री में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज काफी उठा पटक का माहौल है, थोड़ा सा लग रहा है कि गोल्ड सपोर्ट ले सकता है, गोल्ड के अंदर आज हल्की खरीदारी करके चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।